नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। कानपुर टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। चिकुनगुनिया की वजह से तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बाहर। 22 तारीख से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट। श्रीलंकाई क्रिकेटर कुलशेखरा की कार से टकराकर एक व्यक्ति की मौत। हिरासत में बिताना पड़ा कुछ समय। सड़क के डिवाइडर से टकराकर कुलशेखरा की कार से भिड़ गया था मोटरसाइकिल सवार। सानिया बारबोरा पैन पैसिफिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में। मिसाई डोई और कुरुमी नारा की जापानी जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-5, 10-8 से हराया। क्वार्टर फाइनल में चीन की युफान शू और जापान की म्यू काटो की जोड़ी से होगा अगला मुकाबला। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। मंगलवार को 2 स्वर्ण समेत जीते 4 पदक। भारत अब 6 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज। और पत्रकार वार्ता में भड़के टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव। कबड्डी विश्व कप में पाकिस्तान को शामिल न किए जाने पर सवाल पूछने पर बोले, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।